इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए, वो भी लास्ट टाइम पे, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इस समय सबसे ज्यादा तेज रिवीजन करते हैं। तो चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं आज की वीडियो के बारे में। बच्चों मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कौन से टॉपिक है जो आपको पहले करने हैं और कौन से टॉपिक है जो आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा इसके पीछे लॉजिक सुनो। बच्चों सीबीएसई बनाता है आपके 15 पेपर, यस 15 पेपर बनाता है, 5 रीजन होते हैं और हर रीजन के अंदर 3 सेट होते हैं, तो टोटल सीबीएसई 15 पेपर बनाता है और वो एक चैप्टर से कुछ भी पूछ सकता है इन 15 पेपरों के अंदर। अब वो आपकी किस्मत है कि वो आपके सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उस दूसरे की किस्मत है कि उसके सेट में आ गया। समझ में आ रही चीज? तो ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ प्रायोरिटी कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को पहले करना है और उसको फिर बाकी टॉपिक्स को बाद में करना। ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि पहले पेज से चालू होकर आखिरी पेज तक रिवाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, टॉपिक वाइज प्रायोरिटी करना है। तो चलिए बच्चों एक एक करके डिस्कस करते हैं, मेरे संग लिखते जाना। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको करना है कोऑर्डिनेशन, पूरा कोऑर्डिनेशन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस और आपका क्या कहते हैं इसके फीचर्स। इसके बाद आपको करना है बच्चों नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना नेचर ऑफ मैनेजमेंट कौन सा, आर्ट साइंस और प्रोफेशन वाला, ठीक है। इसके बाद आपको करना है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों, क्या करना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इसके बाद बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर, आरओसी का मतलब होता है रेस्ट ऑफ चैप्टर करना। ध्यान रखना पहले 3 टॉपिक ये होने चाहिए, उसके बाद आप किसी और टॉपिक पर जाइएगा, ठीक है। ओके बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। बच्चों चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले आपको करना है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर आपको इसके 4 प्रिंसिपल करने हैं सबसे पहले। इसके बाद आपको करना है टेक्निक्स, देन आपको करना है सिग्निफिकेंस, ध्यान रखना सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना हेनरी फ्योन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करना है। इसके बाद हेनरी फ्योल करना, और इसके बाद अगर कुछ बचता है तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ध्यान रखना पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निक, सिग्निफिकेंस, वही है ना, प्रोवाइड यूज फॉर यूजर इन टू रियलिटी, साइंटिफिक डिसीजन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, वो वाला टॉपिक कह रहा हूँ, तो इस प्रायोरिटी में रखना, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 3, बच्चों चैप्टर नंबर 3 वैसे ऑलरेडी बहुत छोटा है, लेकिन ध्यान रखना प्रायोरिटी में सबसे पहले डायमेंशन रखना, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको क्या रखने हैं इसके इंपॉर्टेंस, देन आपको रखना है इसके फीचर, और इसके बाद अगर कुछ बचता है तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ध्यान रखना सीक्वेंस आपको यही फॉलो करना होगा रिवीजन करते समय, क्लियर हो गया? ओके बच्चों बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 4 की। अब बच्चों चैप्टर नंबर 4 में क्योंकि एडिशन हुआ है बहुत टाइम बाद, तो सबसे पहले आपको करने टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको करनी है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको करने फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इसके बाद आपको करना है रेस्ट ऑफ द चैप्टर, ROC, रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ध्यान रखना यही सीक्वेंस फॉलो करना, मैं सही बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैंने वो लिखे हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं या इनके चांसेस बहुत ज्यादा है पूछे जाने के। इसके बाद बच्चों बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले किसके बारे में, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। इसकी इम्पोर्टेंस तो बच्चों समझ लो, इतनी ज्यादा पूछी जा चुकी है और सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। पहले नंबर पर बच्चों आपको ये करना है, दूसरे नंबर पर आपको करना है फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, और इसके बाद मैं बात करूंगा तीसरे नंबर पर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और फिर मैं बोलूंगा रेस्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है बच्चों। तो इस सीक्वेंस में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा या करना चाहिए। अब बच्चों बात करूँ चैप्टर नंबर 6 के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले आपको करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस। दूसरे नंबर पे करना है आपको इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज या फिर इंटरनल सोर्सेज, खासकर इनकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन। टाइप तो कर ही लोगे, ट्रांसफर, प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये तो इजी वाले हैं, लेकिन इसमें जो मेन चीज आती है बच्चों एग्जाम में पूछी जाती है वो है एडवांटेज और लिमिटेशन, क्योंकि बच्चों इसको इग्नोर करके जाता है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या करना है, तीसरे नंबर आपको करना है सिलेक्शन प्रोसेस, और उसके बाद आपको करना है रेस्ट ऑफ द चैप्टर, क्या ये चीज क्लियर हो गया? ध्यान रखना ट्रेनिंग डेवलपमेंट टॉपिक सबसे पहले, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज, खास करके एडवांटेज और लिमिटेशंस, फिर सिलेक्शन प्रोसेस, इसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर। इस सीक्वेंस से आपको रिवाइज करना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा ही नहीं,
इस चैप्टर से दो टॉपिक करके जाओ, तो पूरा पढ़ के जाओ लेकिन पहले ये पढ़ लो। इसके बाद बच्चों बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। बच्चों इस डायरेक्टिंग चैप्टर में काफी टाइम बाद कुछ चीजें ऐड हुई हैं, तो पहले उन पर फोकस करना। जैसे कि सबसे पहले आपके आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, पर्सनल हो, साइकोलॉजिकल हो या फिर सिमेंटिक हो। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में खासकर आपका क्या आ सकता है, या तो इंसेंटिव पूछा जाएगा या फिर आपसे वो पूछा जाएगा, कहते हैं मैस्लो की नीड हायरार्की। उसके बाद आप जाना रेस्ट ऑफ द चैप्टर में, जैसे लीडरशिप हो गया और कैरेक्टर फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग वगैरह हो गई। ये चीज पहले बैरियर्स मोटिवेशन करना, उसके बाद लीडरशिप पे जाना, उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर कर देना। लीडरशिप तो 2 मिनट का टॉपिक है, 3 आपके ट्रेनिंग है। इसके बाद बच्चों आता है चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। बच्चों इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है, 3 ही टॉपिक है इस चैप्टर में। सबसे पहले आप करना, देखो 3 टॉपिक है, अब मुझे खुद बताओ कि मुझे इंपॉर्टेंट बताने चाहिए नहीं बताने चाहिए, 3 ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी सेट में कुछ भी दे देंगे। मैंने एक सेट में दे दिया रिलेशनशिप, एक सेट में दे दिया इंपॉर्टेंस, एक सेट में दे दिया प्रोसेस, क्या इसमें क्या बताऊं मैं, लेकिन मैं लिख देता हूं। तो भी सबसे पहले बच्चों आपको क्या लिखना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद आप इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना और फिर आप ध्यान देना प्लानिंग कंट्रोलिंग की प्रोसेस। समझ में आ रही चीज, ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अब बच्चों बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको करना है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखना ये बहुत अच्छे से करना है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे करना है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और इसकी इंपॉर्टेंस। ध्यान रखना फाइनेंशियल प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस, ये आपको करना है दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे बच्चों डिविडेंड डिसीजन के बारे में, डिविडेंड डिसीजन और उसके फैक्टर्स, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर। क्या ये चीज क्लियर है, कोई डाउट कोई परेशानी? ओके, फिर बच्चों आते हैं चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 में काफी कुछ डिलीट हो गया है, तो बच्चों आपको मेजरली जो फोकस करना है वो किस पर फोकस करना है, तो सेबी पर फोकस करना है। दूसरे आपको फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पर फोकस करना है, किसके बारे में, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तीसरा आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर पता होना चाहिए, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर पर आप जाइएगा। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद बच्चों बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 11 के बारे में। चैप्टर नंबर 11 सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है लेकिन इजीएस्ट चैप्टरों में से भी एक है। सबसे पहले बच्चों आपका फोकस होना चाहिए किसके बारे में, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। क्लियर हो गया? जिसके अंदर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग आ जाती है। दूसरे नंबर पे करेंगे आप प्राइस मिक्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपका आता है इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ये करेंगे तीसरे नंबर। इसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर पर आते हैं आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपकी फिलोसफीज, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद बच्चों आप जाएंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद बच्चों बात करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 12 और आखिरी चैप्टर के बारे में। इसका फोकस सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले फोकस आपका होना चाहिए राइट्स के ऊपर, कंज्यूमर के राइट्स क्या है। दूसरे नंबर पे आता है कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्या ये चीज क्लियर है? तीसरे नंबर पे आता है बच्चों रोल ऑफ एनजीओ। ध्यान रखना रोल ऑफ एनजीओ इग्नोर टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ नंबर पर आती है इंपॉर्टेंस, और इसके बाद अगर कुछ रेस्ट ऑफ द चैप्टर हो तो बच्चों ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है इस पर्टिकुलर बिजनेस स्टडीज के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट बात और बोल दूं बच्चों, जितने भी पूरे क्लास 12th में डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं या जो भी बुक में दे रखे हैं, आप उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना, वरना बाद में कहना मत सर मेरी आंखों के सामने था और मैंने रीड नहीं किया। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ओके, और बच्चों एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी, चलो अच्छा एक बात और बच्चों, बाय चांस अगर ट्रेडिंग और इक्विटी में आपको शेयर की प्राइस ना दे रखी हो, शेयर की प्राइस मतलब शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो कोई भी वैल्यू सपोज कर लेना 10 रुपए या 100 रुपए, क्योंकि आपको पता है लास्ट में आपको ईपीएस निकालना होता है, और ईपीएस निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं। तो बच्चों कोई भी एक वैल्यू सपोज कर लेना 10 रुपीज या फिर 100 रुपीज, उस हिसाब से अपना आंसर निकाल देना अगर आपको शेयर की प्राइस नहीं दे रखी है तो। तो चलिए बच्चों आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा फायदा मिला होगा। ध्यान रखना जो मैंने टॉपिक पहले आपको बोले हैं, पहले उन पर फोकस करो, उनको अच्छे से पढ़ो समझो, इसके बाद बाकी टॉपिक्स पर आओ। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, चलिए बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, जय हिंद।